हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका भी अपने ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गौर से देखिए इस वीडियो को, ये वही वीडियो है जो आपके ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना देगी। तो आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर और आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिल जाएं। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज हम बात करेंगे गूगल स्लाइड्स के बारे में। गूगल स्लाइड्स आखिर क्या है और ये आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? तो सबसे पहला सवाल आता है, ये गूगल स्लाइड्स क्या है? ये गूगल स्लाइड्स, तो ये मैं आपको बताता हूं। गूगल स्लाइड्स एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऐप है जो आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाकर दूसरे लोगों के साथ काम करने की आजादी देता है। ऐसी आजादी और कहां। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंटेशन तो हम पावर पॉइंट में भी बना लेते थे, तो फिर गूगल स्लाइड्स क्यों? ये मैं आपको बताता हूं। गूगल स्लाइड्स ऑनलाइन वर्क करता है, लेकिन पावर पॉइंट ऑफलाइन, जिसे यूज करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन आपका वही सारा काम गूगल स्लाइड्स पर ऑनलाइन हो जाता है बड़ी आसानी से, स्मार्ट वर्क। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं गूगल स्लाइड्स के कुछ टिप टॉप टिप्स। गूगल स्लाइड्स में आप गूगल इमेजेस से डायरेक्ट इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स में आप कलरफुल थीम्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को रंग भरे बादल से भी बना सकते हैं। आप इसमें फन शेप्स ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप जैसा चाहें आप उसे वैसा बना सकते हैं। आप अलग अलग गूगल स्लाइड्स में डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे मिलीग्राम, किलोग्राम। आई एम जस्ट जोकिंग। आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूट्यूब लिंक्स डाल सकते हैं और मैजिक भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और भी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बन जाएगी। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो बोनस के लिए लोगों को दिवाली तक का वेट करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बोनस अभी दूंगा इसी वीडियो में। बोनस टिप है कि आप अपनी गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में वेक्टर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप गूगल स्लाइड्स को अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जान गा करती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने गूगल स्लाइड्स को रीडेबल बनाएं ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। जितना ज्यादा हो सके अपने ब्रांड कलर को यूज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने ब्रांड कलर को यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके ऑडियंस के दिमाग में आपके ब्रांड की इमेज फिक्स हो जाएगी। जितना ज्यादा हो सके एंगेजिंग लेआउट यूज कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके ऑडियंस के एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतना ही उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जितना ज्यादा हो सके कस्टम फॉन्ट यूज कीजिए और डेटा एंड आइडियाज के लिए इलस्ट्रेशन यूज कीजिए, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बने। तो अब तक आपने ये जान लिया होगा कि गूगल स्लाइड्स के क्या फायदे हैं। अगर आपने अभी तक गूगल स्लाइड्स यूज करना नहीं स्टार्ट किया है, तो आज ही ट्राई कीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।